So good morning guys, today we have with us Chintan from AlgoTest. Over the last few weeks मुझे कुछ queries मिली है कि हमें अगर अपने अपने level पे एक algorithm बना के backtest करना हो, run करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं. Many of you know it but there are people who don't, so that is why we are starting a separate series dedicated to algorithm backtesting, algorithm strategies. Since this is the first episode, we are going to go about the basics of algorithm testing. कि एक स्ट्रैटेजी को किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या चीजें आपको एज अ बिगिनर्स पता होनी चाहिए, कहाँ जाके आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हो. ऑब्वियसली दिस इज वन प्लेटफॉर्म दैट यू विल बी वर्किंग ऑन, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी योर चॉइस. बट एक बेसिक फ्रेमवर्क क्या होता है एल्गोरिदम ट्रेडिंग का, वो मैं आप लोगों के साथ आज यहाँ पे चिंतन के साथ शेयर करूंगा. यू गाइज हैव एनी क्वेरी यू पोस्टेड इन द कॉमेंट्स एंड चिंतन विल आंसर देम. सो वेलकम चिंतन, हाउ आर यू? Very well, sir. Rohit ji, thank you for the lovely introduction and thanks for having us. काफी time से हमारी बात हो रही थी और idea तो था कि यार retail के लिए कुछ करना है, so that at least उनको पता तो चले ये इस दुनिया के बारे में. और आज और इस series के through I hope कि काफी जो myths हैं और कोई राज हैं जो हमें तो पता है मगर मे बी रिटेल में काफियों को नहीं पता, वो हम अनबॉक्स करेंगे सो दैट सबका बेनिफिट हो. सो यू नो वी आर हियर टू गिव यू अ प्रोसेस. हम आपको मतलब आइडिया इज नॉट टू गिव एनी स्ट्रैटेजी ऐसे, बट एक प्रोसेस बताना है कि यार ये हम कैसे सोचते हैं और फिर उसको स्ट्रैटेजी में कैसे बनाते हैं. सो दैट इज द आइडिया ऑफ दिस सीरीज. And I hope you you guys like it and you know support this effort. So we can run straight to the presentation itself. So may yes. Let's start, है ना? Yes. Thanks, Rohit ji. So this is all about systematic trading and algo trading. That is the and it is for beginners. Algo trading 101. इसमें हमारे चैप्टर्स कैसे रहेंगे कि स्टार्ट हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से करेंगे और फिर हम इसको एडवांस लेवल तक भी लेके जाएंगे सो दैट एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस सीरीज. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो सबसे पहले वी नीड टू डिफाइन व्हाट इज सिस्टमैटिक ट्रेडिंग. यू नो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग इज समथिंग वेयर यू हैव प्री डिफाइंड रूल्स which determine whether to take a trade or not, right? कि अब सिस्टम आपका ऐसे बनता है कि आपको एक आइडिया आया, आपने आइडिया को एक स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट किया और फिर उस स्ट्रैटेजी को बेस्ड ऑन दोज एग्जैक्ट रूल्स आपने उसको रन किया. अगर तो आप इसको मैनुअली रन करोगे यू आर स्टिल डूइंग सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, बट अगर आप इसको थ्रू अ कंप्यूटर सिस्टम रन करोगे then it becomes an algo or an algorithm, right? Where nothing but the trades are being taken by the machine. Magar logic वगैरह सब आपका ही है. ऐसा नहीं है कि computer अपने आप से ही कुछ generate करके कोई strategy ले रहा है. So strategy आपकी रहती है और इसे code करके अगर computer के द्वारा हम trade करें तो उसको algo कहते हैं. It's as simple as that. So, okay. Yeah. So, chapter one, what is backtesting? So, before going to backtesting, मैं जरा एक सर की परमिशन हो तो एक प्रोसेस सबको समझाना चाहता हूँ. It's over to you. आप जैसे करना चाहते हो करो. It's your show now. I am just here to understand it. And अगर मुझे कुछ लगा कि मेरे व्यूअर्स की तरफ से उनका कोई क्वेश्चन है तो आई विल पोस्ट दैट क्वेश्चन टू यू सो दैट किसी का मिस नहीं होना चाहिए कुछ भी. सो आपको जैसे करना है हां गलती भी हो जाती है यू आपने मेरे को टोकना भी है. मैं तो बिल्कुल आपके साथ हूं इस चीज के. ठीक है तो देखो हमारा आइडिया क्या है, प्रोसेस क्या है. द प्रोसेस इज फर्स्ट यू स्टार्ट विद एन आइडिया. योर आइडिया कैन बी एज सिंपल एज कि मार्केट ऊपर जानी है, अगर जाती है तो मैंने कॉल खरीदनी है और नीचे जाती है तो पुट खरीदनी है. मतलब बहुत सिंपल आइडिया, कोई मैंने इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाई, कोई इंडिकेटर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ा एक सिंपल सा आइडिया. बट इस आइडिया को अब स्ट्रैटेजी में कैसे
कन्वर्ट करते हैं. दैट इज डन थ्रू गिविंग इट टू थिंग्स, एंट्री रूल्स एंड एग्जिट रूल्स. आप एंट्री रूल ये कर सकते हो कि अगर मार्केट सुबह ओपनिंग टाइम से 50 पॉइंट ऊपर चली जाती है, निफ्टी की बात कर रहा हूं, तो मैं तब उसकी कॉल खरीदूंगा, ठीक है. और इसमें हमने, ये तो मेरी एंट्री होगी कि 916 प्लस 50 पॉइंट्स, ठीक है, अंडरलाइन पे आई विल बाय अ कॉल, एंट्री कंडीशन मेट. एग्जिट कंडीशन कैन बी कि इस पे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा 20% का और टारगेट लगा दूंगा 100% का, राइट. और तीसरी मेरी एग्जिट कंडीशन है कि अगर मैं इसको इंट्राडे ही रखना चाहता हूं, अगर ना स्टॉप लॉस लगे ना टारगेट लगे, तो 3 बजे या 3:15 को मैं एग्जिट हो जाऊं, राइट. सो ये हमने क्या किया, एक आइडिया लिया बड़ा सिंपल सा, इसको हमने एक स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर दिया. अब इसका करना क्या है कि देखो, अब स्ट्रैटेजी तो मैंने बना ली, नाउ कम्स कि इसको थोड़े टेस्ट के थ्रू गो थ्रू करें कि यार इसको बैक टेस्ट करो ऑन हिस्टोरिकल डेटा, तो आपको एक हिस्टोरिकल सिमुलेशन आ जाएगी. वो आपको ये बताएगी कि यार हिस्ट्री में कभी इस स्ट्रैटेजी ने पैसे बनाए थे या नहीं बनाए थे. सो सिंपल सी बात है कि आप अगर किसी को हायर भी करते हो तो आप उसके रेज्यूमे पे उसका पास्ट एक्सपीरियंस देखते हो, ठीक बोल रहा हूँ रोहित जी? नहीं, बिल्कुल ठीक है. तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो बंदा अच्छा निकलेगा आपके लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट एटलीस्ट दैट इज द फर्स्ट फिल्टर. या रेज्यूमे तो भेज, देखे तो सही कि रेलेवेंट है कि नहीं है. तो सिमिलरली हम भी अपना जो आइडिया है, स्ट्रैटेजी है, उसको एक हिस्टोरिकल सिमुलेशन के थ्रू पास करते हैं कि हाँ भैया इसने ऐसी स्ट्रेटजी ने कभी पैसे कमाए भी थे कि नहीं कमाए थे. सिंपल सी बात, विन परसेंटेज है काम करने लायक या नहीं है, ड्रॉडाउन कितना है, कैपिटल कितना लगेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगर तो वो ये सारे टेस्ट पास कर जाती है स्ट्रेटजी, फिर मैं इसको फॉरवर्ड टेस्ट या पेपर ट्रेड करूंगा, ठीक है. और अगर पेपर ट्रेड में भी ठीक है, फिर मैं इसमें पैसा अपना लगाऊंगा. सो कहने का मतलब है कि जो ये प्रोसेस है, हम वी वांट टू टेक द रिटेलर्स आउट ऑफ दिस थिंग कि जैसे उस दिन बात हुई थी कोटक पे बैन लग गया था सर, आपको पता ही है आरबीआई ने बैन लगाया. अब मैं जो अपनी बात करूंगा सर, अगर मैं ये 5 साल पहले दिखता न्यूज, तो सुबह जाके मैं कुछ खरीद लेता बैंक निफ्टी, ठीक है. और आपको भी पता है उस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी सिर्फ ऊपर ही जाती गई, तो मैंने क्या किया, मैंने मतलब कोई ना, मेरा कोई स्ट्रेटजी तो थी, ठीक है, न्यूज आई है तो खरीद लो, दैट वाज अ स्ट्रेटजी, ठीक है. बट और चलो मैं 20% का स्टॉप लॉस भी लगा देता, एग्जिट भी हो जाता, बट ना इसमें कोई हमने कोई टेस्ट किया, ना इसको पेपर ट्रेड किया, सीधा जाके पैसे लगा दिए. सो वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस मेंटालिटी कि मैंने यहां से सुना, वहां से देखा, ये समझा, एंड मैं बोलता हूँ सब कुछ समझो, सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप ये प्रोसेस फॉलो करो कि आइडिया आए, स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट, स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट, बैक टेस्ट के बाद फॉरवर्ड टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट के बाद पैसे लगाने. सो वी वॉन्ट टू ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस. आप सिंपल लैंग्वेज में ये कह रहे हो कि आप जब कुछ कुछ भी शेयर आपका बाय करने का दिल करता है, आप किसी एनालिस्ट को सुनते हो, सो वो एनालिस्ट जस्ट आपको कह रहा है कि बाय या सेल कर लो, बट आपको ये नहीं पता कि हिस्टोरिकली अगर उसने 100 ट्रेड्स दी थी तो वो 100 ट्रेड्स में से कितनी सही हुई थी, आपको यही नहीं पता पहले. तो ये भी हो सकता है कि उसकी 50 ट्रेड्स सही है, 50 ट्रेड्स गलत है, और जब आप उसकी ट्रेड लोगे तो वो हो सकता है वो 50% गलत वाले पोर्शन में आ रहे हैं और आप लॉस बना जाओ उसके अंदर, ठीक है. सो दैट मींस कि वो जो बंदा है वो हो सकता है 100 ट्रेड्स लेके 50 ट्रेड्स में विन करके प्रॉफिट कमा जाए, आपने उसकी 50 गलत ट्रेड्स ले ली, आप लॉस करते जा रहे हो. वो टीवी पे आके बोलता है कि मैंने प्रॉफिट कराया, आप कहते हो मेरा लॉस हो रहा है. फर्क कहाँ पे आ जाता है कि वो एक सिस्टम के थ्रू चला हुआ जहां पे वो 100 ट्रेड्स दे रहा है, उसके ऊपर उसको पता है कि आफ्टर 100 ट्रेड्स ही इज गोइंग टू बी नेट प्रॉफिटेबल.
तो उसने अपनी स्ट्रेटेजी को हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर रन करके देखा हुआ है कि स्टेटिस्टिकली आई एम गोइंग टू मेक प्रॉफिट ओवर 100 ट्रेड्स, एंड फिर वो उसको एक रूम देता है कि इतना मैं उसको मार्जिन दे रहा हूं कि तुझे 10,000 का लॉस करना है कर ले, मुझे पता है इस 10,000 के बदले में मुझे 20, 30, 40,000 का प्रॉफिट आएगा। सो दैट इज वॉट इज बैक टेस्टिंग इन द इजिएस्ट ऑफ सेंस, आई थिंक सो। राइट, बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि वो एनालिस्ट तो 100 ट्रेड्स दे रहा है और उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि उसको भी पता है उसके हिस्टोरिकल एनालिसिस से कि 50% ही विन रेट है। मगर आप अगर फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड, 10th ट्रेड पे निकल गए और उसमें से आपका कोई मोटा ट्रेड नहीं लगा, राइट, क्योंकि द 11th वन वॉज अ विन और द 12th वन वॉज अ विन, देन तो आप वहां पे लूज कर जाओगे। सो कहने का मतलब है कि अगर आप खुद बैक टेस्ट करते हो तो एटलीस्ट आपके पास ये स्टैट्स हैं कि यार ये मेरे पास है, ये हिस्टोरिकली ऐसा हुआ था और मैं इसको इस पे मैं कुछ ना कुछ बिलीफ रखता हूं, यस राइट। ऑब्वियसली इसमें काफी से वो भी होते हैं, इफ्स एंड बट्स भी होते हैं, बट मेरे पास कुछ तो बिलीफ है इसमें। बैक टेस्ट से मतलब एक तरीके का बैक टेस्ट का अगर हम लोग और सिंपलीफाई करने की कोशिश करें तो एक तरीके से हमें स्टेटिस्टिकली ये पता चल जाएगा कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि जो हम लोग मार्केट में अप्लाई करना चाहते हैं वो वर्क करेगा। वर्क करने के बाद जितनी मैंने कैपिटल लगाई है उसके ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट दे सकता है, कितना मुझे लॉस दे सकता है, एंड मैं उम्मीद कर सकता हूं क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा हुआ है तो वो फ्यूचर में भी उसी तरीके से वर्क करेगा, गिव और टेक फ्यू परसेंटेजेस। ये एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छा एक वर्ड यूज करा कि मैं उम्मीद कर सकता हूं, उम्मीद कर सकता हूं। विच इज वेरी यस इंपॉर्टेंट, कि यस ऑब्वियसली हिस्ट्री डज नॉट, एवरीवन नोज हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ एग्जैक्टली, सो इट माइट बी रिपीटिंग इटसेल्फ बट नॉट एग्जैक्टली यस बिकॉज मार्केट रिजीम्स चेंज। अगर आपने बैक टेस्टिंग 2020 में की है हाई विक्स एनवायरमेंट में, सो आई एम गेसिंग 2023 एंड 24 माइट, those strategies might not work, right? तो history does, आप at least आपके पास कोई कुछ evidence है, कुछ research आपने की है जो आपको बताती है कि हाँ ये इसने past में काम किया था, that is just your first step, right? ओके मतलब आपने अगर building बनानी है पहले आप उसके blueprints बनाते हो, ढांचे बनाते हो, ठीक है, और उसके basis पे फिर आप बिल्डिंग खड़ी करते हो। ऑब्वियसली कभी कभार मॉडल्स और ब्लूप्रिंट्स थोड़े इधर उधर हो जाते हैं वर्सेस द एक्चुअल बिल्डिंग, बट कोई भी मेरे को नहीं पता बड़ी बिल्डिंग बनी होगी या टावर्स बने होंगे जिसके कोई ब्लूप्रिंट्स ही नहीं हो, राइट। या सो सो नाउ गोइंग विद द सॉर्ट ऑफ डिक्शनरी मीनिंग, तो बैक टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग हाउ वेल अ स्ट्रेटजी has done using historical data. History, historical simulation है, history में इसी strategy ने कैसा कुछ कमा के दिया है, नहीं दिया, win percentage क्या था, etc. etc. अब उसके stats देखते हो, ठीक है? It is a historical simulation which is the first step a trader needs to take before deploying real capital to any strategy, right? कुछ आप testing करो of your strategy before going लाइव विद योर मनी। आपका मनी बहुत प्रेशियस है और इसको आपने एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, ट्रेडिंग को। ये आपकी साइड इनकम नहीं है, ये आपकी मेन इनकम बन सकती है, और अगर आप इसको साइड इनकम भी मानते हो तो एटलीस्ट ट्रीट दैट एज योर सेकेंड बिजनेस और योर सेकेंड जॉब, वट एवर मे बी द केस, राइट। इट इज नॉट अ हॉबी, राइट। सो अभी हम हमारे प्लेटफॉर्म पे एल्गो टेस्ट पे 3 स्ट्रेटजीज देखेंगे, यू विल बी एबल टू सी कि हाउ विद इन सेकेंड्स वी कैन बैक टेस्ट अ स्ट्रेटजी फॉर 6 ईयर्स ऑफ हिस्टोरिकल डेटा इफ इफ यू आर डूइंग बैंक निफ्टी, एंड उसके रिजल्ट्स हम चेक कर सकते हैं ड्यूरिंग प्री कोविड
कोविड एंड पोस्ट कोविड तीनों सिनेरियोज में हम उसके रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं और उसको कंपेयर कर सकते हैं यार क्या चेंज हुआ ड्यूरिंग दीज थ्री पीरियड्स. सो रोहित जी शुड वी या बिल्कुल चलिए बिल्कुल 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 राइट राइट. सो मैं एक बार प्रेजेंट करता हूं सर. सो गाइस हम आगे अपने प्लेटफॉर्म पे यहां पे मैं लॉगिन कर लेता हूं. सो ये मैंने लॉगिन कर लिया है जस्ट होल्ड ऑन. हां सो द फर्स्ट स्ट्रेटजी एज मैंने वहां पे मेंशन किया था कि हम एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी करेंगे. सो मैं आ जाता हूं अपने बैक टेस्ट के अंदर क्रिएट स्ट्रेटजी पे. और नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी का मेरा जो लॉजिक है एंड रोहित जी प्लीज कमेंट ऑन इट आफ्टरवर्ड्स कि सही है कि नहीं, कि मैं ये कहता हूँ कि यार जो मूवमेंट होती है ना ज्यादातर मॉर्निंग में होती है लगभग एक डेढ़ घंटे पे और लगभग 10:30 के बाद मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड हो जाती है राइट. और इस रेंज बाउंड का होने का हमने फायदा उठाना है और अगर और इसका थीटा खाना है. थीटा क्या है बेसिकली एवरी ऑप्शन हैज एन एक्सपायरी डेट और जैसे जैसे वो एक्सपायरी के पास जाता रहता है तो उसका प्रीमियम जो है वो डिके करता रहता है और इसको हम थीटा डिके कहते हैं राइट. सो मैंने ये रेंज बाउंड मेरे हिसाब से मार्केट होती है 10:30 के बाद. सो मैंने कहा कि एंट्री मैं लूंगा 10:30. आप जब ट्राई कर रहे हो तो 10:20 10:25 10:45 आप कुछ भी ले सकते हो बट दिस इज माय आइडिया राइट. और एग्जिट मैं करना चाहूंगा इसको 3 बजे क्योंकि मेरे को एक और चीज पता है कि 3 बजे भी एक मूव आती है मार्केट में FIIs और DIIs की सम न्यूज कम्स अप और वो या तो खरीदते हैं मोटा या तो बेचते हैं मोटा. सो मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता. मैं क्लीन अपना थीटा कमाना चाहता हूं जब मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड होती है राइट. सो अब मैं ये कैसे करूंगा. मैंने सिंपली एक स्ट्रैडल बेचा कॉल और पुट. स्ट्रैडल मैंने बेचा एट द मनी का. एट द मनी एट व्हाट टाइम एट 10:30 राइट. 10:30 का एट द मनी लिया एंड मैंने उसका स्ट्रैडल बेचा और इस पे मैं एक स्टॉप लॉस लगाने वाला हूं. द स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी 60% एंड यस. सो नाउ यू मे आस्क कि यार 60% क्यों लगाया है 20 क्यों नहीं 15 क्यों नहीं है तो बहुत बड़ा है. तो बेसिकली मैंने क्या मेरी अजम्पशन क्या है. अब अगेन वही उसी थ्योरी पे आ जाता है. मेरा आइडिया से बना रहा हूं मैं स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजी को हम बैक टेस्ट करेंगे. मेरी अजम्पशन है कि मॉर्निंग मूव के बाद मार्केट शांत हो जाती है. शांत मार्केट से मैं थीटा कमाना चाहता हूं और मैं थीटा तभी कमा सकता हूं अगर मेरा अगर फेक ब्रेकआउट्स होते हैं छोटे सी मार्केट ऊपर थोड़ी सी गई वापस आ गई वो उसमें मेरे स्टॉप लॉसेस ना कटे ठीक है. तो मैं अपने स्टॉप लॉसेस को बचाने के लिए वाइडर स्टॉप लॉस रखना चाहता हूं. सो तभी मैंने 60% का स्टॉप लॉस यहां पे चूज किया. आप 70 कर सकते हो 50 कर सकते हो 65 कर सकते हो इट्स अप टू यू. स्ट्राइक भी मैंने एट द मनी की बिकॉज मैं ज्यादा थीटा खाना चाहता हूं. आप ओटीएम भी जा सकते हो स्ट्रैंगल भी कर सकते हो इट्स अप टू यू. द मेन थिंग इज कि अभी हम लोग एक जैसे कहते हैं ना कि वी आर इन एन आइडिया स्टेज. हमें ये लगता है कि स्ट्रैडल को अगर हम लोग सेल करेंगे 10:30 बजे तो वो प्रॉफिट देगा. ये हमारा मानना है पर वो स्वीट स्पॉट कहाँ पे है कि वो 50% के स्टॉप लॉस के ऊपर प्रॉफिट देगा 40 पे देगा 30 पे देगा या 70 पे देगा या 100 पे देगा. वो स्वीट स्पॉट हमें नहीं पता. उस स्वीट स्पॉट को फाइंड करने का एक ही तरीका है कि हम लोग एक हिट एंड ट्राई मेथड ले कि चलो पहले इसको 60 से ट्राई करते हैं एंड देन अगर तो 60 पे चल पड़ा तो जो वो चल रहा है उसका जो प्रॉफिट आ रहा है और जो उसके ऊपर रिस्क मेरा एसोसिएटेड फैक्टर है वेदर इट इज गुड और नॉट या फिर मुझे उसे फर्दर ट्वीक करना पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि कई लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं एंड दे से कि मुझे लगता है कि ये मेथड वर्क करेगा
95% मेथड नहीं वर्क करते, बिकॉज वो आपको लगता है वर्क करेंगे, बट वेन यू पुट इट ऑन द डाटा एंड यू बैक टेस्ट इट, 95% ऑफ द टाइम दे आर नॉट गुड, दे फेल. बिल्कुल सही रोहित जी, आपने बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया कि अभी हम आइडिएशन फेज पे हैं. ये सब मेरा मानना है, ये सब हाइपोथेसिस है, इस पे मतलब मैं अभी पैसा नहीं लगाने वाला, जो मोटी बात यही है, ठीक है, क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं, मतलब मान लो डिस्कस कर रहे हैं. तो इसको मैं बैक टेस्ट कर लेता हूं 2017 से आज तक, तो इसमें हम तीनों पीरियड्स देख लेंगे, प्री कोविड जो था 17 से 20, कोविड जो मैं कहूंगा 20 से 22, एंड पोस्ट कोविड आई वुड से 22 के मिड से आप कह सकते हो आज तक. सो विद इन अ फ्यू सेकंड्स, होता क्या है कि मेरे पास भी ना कई बिगिनर्स आते हैं और कई जिनको मैंने एल्गोरिथम्स बना के दिए हुए हैं, ठीक है, मुझसे जब वो एल्गोरिथम रन करना स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्ट आस्किंग मी कि आज के दिन में ना हमारा प्रॉफिट हो सकता था एंड एंड में लॉस हो गया, वी माइट एडजस्ट अवर एल्गोरिथम लाइक दिस एंड आई टेल देम कि जो आप कर रहे हो वो कर्व फिटिंग है, दैट इज योर अजम्पशन बेस्ड अपॉन लुकिंग एट व्हाट द मार्केट इज डूइंग टुडे. अगर आप उसी चीज अगर आप उसी चीज को 1000 days के ऊपर लगा के देखोगे एंड देन इट वर्क्स, देन यू टेल मी आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट आप क्या कह रहे हो. बट अगर आप उसको हिस्टोरिकल लगा के देखोगे, इट डजंट वर्क दैट वे. ऑन द बेस्ट ऑफ द डेज योर एल्गोरिथम माइट नॉट परफॉर्म, बट वर्स्ट ऑफ द डेज में बिकॉज आपकी हाइपोथेसिस करेक्ट है और आप एक स्वीट स्पॉट में हो, वो वर्क कर सकता है. दैट इज द पॉइंट. बिल्कुल, सो बिल्कुल सही कहा सर. कुछ जैसे मान लेते हैं कि आज के दिन 60% नहीं चलता, 65 चल जाता. 65 क्यों? क्योंकि उसका स्टॉप लॉस ना कटता, फॉर एग्जाम्पल. तो हम अपनी स्ट्रेटेजी जो हिस्टोरिकल हमने बैक टेस्ट की हुई है, जो 1000 दिन पे चली, उसको हम बस एक दिन के डेटा के वजह से हम चेंज नहीं करेंगे. सिंपल सिंपल सी बात है. या आज ट्रेंडिंग डे जैसे निकल गया, जैसे कल का था, आप बोलते यार 60 तो बहुत ज्यादा है, इसमें तो नुकसान ही हो गया मेरा, जिसमें मेरा जो 20% का स्टॉप लॉस था उसमें मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिल गया, इसमें तो कुछ मिला ही नहीं. सो यू कैन नॉट टेक अ स्ट्रेटजी ओनली ऑन 1 days और 2 days डेटा कि इस हफ्ते तो ऐसा ही चला था तो चेंज कर लेते हैं. यस, बिल्कुल सही कहा सर रोहित जी आपने. सो ये हमने बैक टेस्ट कर लिया है और ये हमारा PNL का ग्राफ है, इक्विटी कर्व जिसको कहते हैं. इसमें मैं अगर ऐड कर लूं तो हमारा बैंक निफ्टी भी आ गया है कि बैंक निफ्टी स्पॉट किस हिसाब से चल रहा है. इसकी एक्सेल शीट भी जनरेट हो जाती है क्या इसकी? बिल्कुल हो जाती है सर. मैं अभी नीचे आपको ओवरऑल स्टैट्स बताने के बाद ना इसकी एक्सेल कहां से डाउनलोड हो सकती है वो भी बता देता हूं, ठीक है. ये हमारा आ गया सर मंथली PNL अलोंग विद yearly totals, ठीक है. सो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि प्री कोविड और ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड में सिमिलैरिटीज, या मैं कहूंगा जो सबसे ज्यादा चीज मेरे को दिख रही है कि कोविड में सबसे ज्यादा पैसे बने हैं, ठीक है, और पोस्ट कोविड कम बन रहे हैं, और प्री कोविड भी लगभग जितने पोस्ट से ज्यादा ही है, बट फिर भी लोअर देन कोविड टाइम्स, ठीक है सर. इसके अंदर एक चीज और आ जाएगी यार, आप लोगों को समझना पड़ेगा. इसके अंदर जब आप ये वाला बैक टेस्ट करते हो तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स में डिफरेंट लॉट साइजेस थे. तो क्या ये बैक टेस्ट उस चीज को भी अपने आप चेक कर लेता है? यस सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा है. तो सर बैक टेस्ट का आइडिया ये है कि अगर मैं ये स्ट्रेटजी आज लगाता हूं तो मुझे आज के हिसाब से कितने पैसे बनेंगे. फॉर एग्जांपल मान लो मैं बाय कर रहा हूं कुछ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि 2017 में बाय करता तो
और 2 रुपए मेरे बनते प्रीमियम में, तो इन टोटल मेरे को 50 रुपए बनते 25 का जब लॉट था, और आज मैं कर रहा हूं तो 2 रुपए बनते तो 30 रुपए बनेंगे। सो हमने हिस्टोरिकल डेटा में लॉट साइज सेम रखा हुआ है, विच इज टूडेज लॉट साइज, राइट? ओके ठीक है, गॉट द यस पॉइंट. दैट मींस व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड इज कि जो 2020 का टाइम था वहां पे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो इसलिए बन रहा है बिकॉज उस टाइम पे विक्स बहुत ज्यादा थी, प्रीमियम्स बहुत ज्यादा थे. बिल्कुल। और मगर आप जैसे ये भी जैसे देखिए वो सर, हाँ आपका ड्रॉडाउन भी बढ़ गया बिकॉज आपको इट वाज अ हाई रिस्क गेम। सो सर, रिजल्ट्स आ गए हैं इसके 2017 से। आप इसका इक्विटी कर्व या प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे देख सकते हो कि इसने 6 साल में किस तरह गया है, और उसके साथ साथ ये भी जो बैंक निफ्टी स्पॉट है वो भी आप देख सकते हो। रोहित जी, आप कुछ इक्विटी कर्व या पीएनएल ग्राफ के बारे में कुछ कहना चाहते थे, वो थोड़ा आप बताओ। ओके सो बेसिकली इक्विटी कर्व को कई लोग मेरे से पूछते हैं कि एक्चुअल में होती क्या है. ठीक है, सो ये सारी की सारी ट्रेड्स हैं जो 2017 से लेके यहाँ तक 2023 तक ली गई हैं. ठीक है, सो यू कैन सी कि यहाँ पे इनकी एंट्री टाइम भी आ रही है, एग्जिट टाइम भी आ रही है. जनरली जब भी आप किसी बैक टेस्ट को देखते होते हो आपको सिर्फ ये दिखाई देता है कि इक्विटी कर्व कैसे बन रही है. ठीक है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हर ट्रेड का एक प्रॉफिट और लॉस होता है और ये इक्विटी कर्व बनती कैसे है. मान लो आपका जो एक स्ट्रैडल है वो 1,50,000 का बनता है. ठीक है, तो बेसिकली होता है क्या, जब आपका एल्गो चलना स्टार्ट होता है तो ये एक एक ट्रेड का प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो आपका यहाँ पे ऐड होना शुरू हो जाता है. ठीक है, और आप जितना उसको नीचे यहां से ऐड करते जाते हो वो इस तरीके से सारा का सारा पिछली फिगर के अंदर ऐड होता जाता है जिससे आपका एक हम लोग क्या कहते हैं कि इक्विटी कर्व बननी शुरू होती है. सो अगर हम इस सारे टाइम के प्रॉफिट को पीछे से पीछे ऐड करते जाते हैं यू कैन सी कि हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो 1,50,000 थी और एंड तक जब हमारा एल्गोरिज्म चलता रहा तो वो 9,37,000 तक पहुंच गई. नाउ दिस इज एज्यूमिंग कि आपने इस एल्गोरिज्म को ऐसे ही चलने दिया, इट इज अ बैक टेस्टेड डाटा. ठीक है, सो जब हम लोग अपनी एक इक्विटी कर्व की बात करते हैं सो इट एक्चुअली वर्क्स लाइक दिस कि आप उसको डायरेक्टली यहां पे एक इक्विटी कर्व को इस तरीके से प्लॉट करके भी देख सकते हो एंड यू गेट एन आइडिया कि जो मैं एक मेथड है अपना स्टॉक मार्केट में प्लॉट करने लगा हूं, अगर मैं यहां पे अपनी एक ट्रेड लूंगा तो धीरे धीरे मेरी कैपिटल इस तरीके से ऊपर जाएगी. अब देखने में जो ये इक्विटी कर्व होती है ये बहुत स्मूथ लगती है, जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने दिखाया भी था आपको कि इसको ये लोग बैंक निफ्टी के साथ शो करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी ऊपर नीचे जा रही है, बट जो इक्विटी कर्व है वो कितनी स्मूथली ऊपर जा रही है. अब ये आप लोगों को दिख रहा है कि ये स्मूथली जा रही है बट अगर आप इसको और बड़ा करते जाओगे यू विल सी कि इसके अंदर भी अपने एक बम्प्स एंड एक स्टेयर केस पैटर्न बनता है जहां पे वो नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है. अभी ये डाटा बहुत बड़ा है इसलिए आपको इतना स्मूथ दिखाई दे रहा है, अदरवाइज अगर आप इस पीरियड में देखोगे यहाँ पे तो ये कम से कम 3, 4 या 5 महीने का टाइम है व्हेन इट वाज इन अ साइडवेज फेज, वो भी आपको निकालना पड़ता है जिसके बारे में अभी चिंतन आपको और बताएंगे. एंड वन मोर थिंग आपको समझ के रखना पड़ेगा, ये जिस तरीके से प्रॉफिट लॉसेस हुए हैं यहाँ पे, कभी 800, 844 का लॉस आ रहा है कभी प्रॉफिट आ रहा है, ये उस बेसिस पे है जिस जिस तरीके से मार्केट चली है. ठीक है, हमने पीछे एक विवेक गडोडिया जी के साथ वीडियो किया था जहां पे उन्होंने मोंटे कार्लो सिमुलेशन के अंदर जब हम लोग हैं कि हमारा ड्रॉडाउन कितना बैड हो सकता है, दिस मॉन्टेक आप लोगों को दिखाई थी इट वाज बेस्ड अपॉन द रियल ट्रेड्स जो 2017 से लेके मॉन्टे कार्लो के अंदर हम लोग इसको टोटल रैंडमाइज कर हमारी इक्विटी कर्व कितनी बैड हो सकती है. तो आई वांट कि आप उस पार्ट को भी चिंतन सो बिल्कुल दैट सर, यूजर्स अंडरस्टैंड इट. लास्ट टाइम वो रह गया था, दैट इज व्हाई आई वांट
श्योर श्योर बिल्कुल सही इस स्मूथ कर्व में हमारे को पता नहीं कि नहीं राइट बट अगर मैं अपना ड्रॉडाउन तो मैं आपको सिर्फ यहां से देख सकता हूं कि मेरा एक ड्रॉडाउन का फेज शुरू हुआ था वो जाके लगभग एंड ऑफ जून जून 30 को, हाँ 6 महीने। तो मान लो इसका मतलब क्या है कि अगर जैन में 100 रुपए का था इस स्ट्रैटेजी से, मेरे को फिर कुछ काफी सारे पीरियड्स प्रॉफिट हुआ, कुछ दिन लॉस हुआ, कुछ दिन प्रॉफिट, कुछ दिन लॉस, ऐसे करते 100 रुपए के प्रॉफिट आने पे 6 महीने लग गए। एंड दिस इज एंड मेरे मेरे एक्सपीरियंस में ना चिंतन, ये वाला जो पीरियड बड़ा चैलेंजिंग पीरियड होता है, बिकॉज एक चीज, सिस्टमैटिक ट्रेडर बनना इज नॉट इजी। ठीक है, आपका सिस्टम वर्क करता है, आप एक प्रॉफिट लेना है, रोज लॉस ले, रोज प्रॉफिट लेना है, ठीक है। आप यकीन नहीं मानोगे, अच्छे से अच्छे बंदे की साई खिल जाती है। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जो जैसे ही प्रॉफिट आने शुरू हो जाते हैं, प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, एंड दे आर वेरी हैप्पी, एंड दे आर लाइक दुनिया खत्म हो रही है उस टाइम। एंड अप डूइंग कि जब प्रॉफिट आ रहे होते हैं तो वो चलते रहते हैं, जैसे ही लॉस आता है सिस्टम। नहीं लगता अब ये स्ट्रेटजी चलेगी। तो कुछ कुछ मोस्ट ऑफ द पीपल इसी फेज, 6 महीने का फेज छोटा फेज नहीं होता, राइट। नहीं इसमें आपको अपने माइंड को बना के रखना होगा कि यार बने रहो, क्योंकि आप अगर देखोगे एट द एंड ऑफ द डे ये वाला फेज है लगभग, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आगे प्रॉफिट नहीं बने, बने ना यार, क्योंकि आइडिया क्या था कि हमने एक बहुत साउंड स्ट्रेटजी ली है कि यार 10:30 से 3 बजे मार्केट ढीली होती है, मैंने थीटा कमाना है, दैट्स इट, बस उतना ही सोचा है हमने, ज्यादा नहीं सोचा, राइट। जब हम लोग स्टार्टिंग में मार्केट देखते थे ना, तो ये वाला जो आप मेरे को दिखा रहे हो ना अभी, ये देखने में बड़ा अच्छा लगता होता था कि यार यस इसके अंदर तो सिर्फ जो रेड मंथ है, 2023 में 3 है, 2022 में 4 है, ठीक है, हाँ बट जी जैसे इसके अंदर एक्सपीरियंस होता गया तो समझ में आया कि दिस इज नॉट सो इजी। एक बात समझो, 2030 के 23 के अंदर मैं फरवरी का मंथ देख रहा हूं, ठीक है, मेरा 5600 का लॉस हुआ है। इस 5600 के लॉस का मतलब है, इस 5600 के लॉस का मतलब है कि मेरे का जनवरी से लेके मार्च तक और अप्रैल तक मेरे को कोई लॉस प्रॉफिट नहीं हो रहा, 4 महीने गए एक लॉस की वजह से, बिल्कुल क्योंकि एक एक दो महीने तो उसको ब्रेक इवन करने में लग जाएंगे, गलती से 1 महीना और मेरा लॉस में आ गया, मेरे साल के जो अंदर आ से गया, 30। जो आ भी गया हाँ अप्रैल में, लगभग मार्च में तो आपने, अगर मैं जैन और मार्च को जोड़ लूं तो 5,000 रुपये तो आपने बना लिए थे। हाँ तो मेरे कहने का मतलब है बेसिकली आप पहले अप्रैल तक तो आपको कुछ मिला ही नहीं, आप बोलोगे यार मैंने सही एल्गो भी चूज किया है, ये चल भी रहा है ठीक। करेक्ट सो एक चीज जो मेरे को इतने एल्गोरिथम रन करने के बाद समझ में आई है वो ये है कि एल्गोरिदम के अंदर पैसा बनाने वाला टाइम जो होता है मार्केट के अंदर सिर्फ 5 महीने का होता है, बाकी 7 महीने एक ब्रेक इवन आ गया 2 महीने उसको कवर करने में लग जाएंगे, एक ब्रेक इवन आ गया 2 महीने उसको कवर करने में लग जाएंगे, तो 7 महीने कोई पैसा नहीं आना। डेट इज वाई आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसको फिर रन करना पड़ेगा बैक टेस्ट को, डेट इज वाई इट करेक्ट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक ट्रेडिंग। करेक्ट एंड नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि कौन सा महीना अच्छा होगा और कौन सा यस नहीं होगा, ये एग्जैक्टली भी दैट मैं इज द पॉइंट, बता कोई दूं। प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। राइट राइट सो अभी थोड़े रिजल्ट्स की ओर बढ़ते हैं और इसमें हम आगे अपना मॉन्टी कार्लो वगैरह उस पे भी जाएंगे। सो रॉ रिजल्ट्स मैं इनको बोलता हूँ, रॉ रिजल्ट्स मेरे ये हैं कि लगभग 4 लाख का ओवरऑल प्रॉफिट है इन 6 ईयर्स, ठीक है,
218 रुपए का आपका एवरेज प्रॉफिट है। अब मैं इसको क्या करता हूं, अगर मैं अपना कैलकुलेटर ऑन कर दूं तो 218 डिवाइड बाय 15, सो 14.5 रुपीज विदाउट, अभी मैंने स्लिपेजेस भी नहीं डाले और बड़े एक्सपेंसेस भी नहीं डाले, बट 14.5 रुपए मेरे को एक स्ट्रैडल पे मिल रहे हैं ऑन एवरेज, विच इज ऑल्सो वेरी डिसेंट। 14.5 रुपए में मेरे सारे खर्चे पूरे हो जाने चाहिए। ये हमारी एक हाइपोथेसिस थी रोहित जी कि 10.5 और 3 के बीच में मार्केट शांत रहती है, तो हमारा हाई विन परसेंटेज इसको सॉर्ट ऑफ प्रूव कर रहा है कि हाँ कि यार, एक तो ये भी प्रूव कर रहा है कि हाँ आपने प्रॉफिट बनाया, दूसरा ये भी प्रूव कर रहा है कि हाँ आपकी हाइपोथेसिस में एटलीस्ट कुछ दम तो है। ठीक है, 70% टाइम हमारा हैज बीन पॉजिटिव कि ये जो बीच का पीरियड है ये हमारा शांत पीरियड है और इसमें हम थीटा डीके कमा सकते हैं, राइट। दैट इज वन। द अदर मेट्रिक आई वांट टू सी इज कि ड्रॉडाउन कितना है। ड्रॉडाउन इसमें दिखा रहा है 20,000, तो 20,000 का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे मार्जिन, एस्टिमेटेड मार्जिन लगा लूं, ये आज के हिसाब का मार्जिन है, राइट। अगर मैं एस्टिमेटेड मार्जिन यहाँ पे लगा लूं तो मेरा 16% का मोटा मोटा ड्रॉडाउन है, राइट। कि आपकी जो, अगर मान लो आपने एल्गो शुरू किया और पहले दिन से ही ये वाला ड्रॉडाउन पीरियड आ गया, यू नो, आप किस्मत खराब है जो भी आप बोलो, डजंट मैटर, हम तो यही मान के चलेंगे कि पहले दिन से ही आ जाएगा, ठीक है, तो आपकी रकम 16% टूट सकती है। इसका कहने का मतलब यह है, अगर आप बस अपना मार्जिन मेंटेन करते रहो, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि इफ यू आर ओनली एबल टू मेंटेन योर मार्जिन, तो पहले महीने में या पहली कुछ ट्रेड्स में देयर इज अ सिनेरियो कि आपकी 16% रकम टूट जाए, ठीक है। तो आपको ये भी माइंड में रखना पड़ेगा कि कुछ लोग जैसे रोहित जी को पूछते ही होंगे, यार मैं कितने पैसे लेके आऊं, तो ठीक है मार्जिन तो हमने बता दिया, मगर ये ड्रॉडाउन की फिगर भी आपको कुछ बताती है कि आपको मार्जिन से ज्यादा पैसे रखने पड़े। मैं तो वैसे ना एक काम करता होता हूँ चिंतन जी, मैं तो जब भी किसी स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट रन करता होता हूँ ना, मैं कभी उसका ये नहीं देखता कि उसका ड्रॉडाउन कितना हो रहा है, ठीक है, या उसके ऊपर मेरे खर्चे कितने आ रहे हैं, ठीक है। मेरे लिए सबसे दो इम्पोर्टेंट जो मेट्रिक्स रहती होती हैं, एक तो रहता है विन परसेंट, जो आपने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, ठीक है जी, इसको एक बारी आप सिलेक्ट कर लो विन परसेंट, बिल्कुल कर लेते हैं सर, है ना, एक तो ये विन परसेंट है, और दूसरा मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर रहती है वो होती है रिवार्ड टू रिस्क रेशियो। रिवार्ड टू रिस्क रेशियो, ठीक है। एक मोटा मोटा मैं आपको रूल बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इजी करने के लिए। अगर 50% का विन रेशियो है और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1 है, आप हमेशा ब्रेक इवन रहने वाले हो, आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे। और अभी मैं स्लिपेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। विन परसेंट जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, नॉर्मली आपके बैक टेस्ट के अंदर ये रिस्क रिवार्ड, ये रिवार्ड टू रिस्क रेशियो जो है ये 1 से कम आती जाएगी, ठीक है। और अगर आपका विन परसेंट बहुत कम है तो आपकी जो रिवार्ड टू रिस्क रेशियो है वो बढ़ती जाएगी 1 से ज्यादा। अगर आपको एक अच्छा एल्गोरिदम बनाना है, ए गुड एल्गोरिदम इज अ गुड बैलेंस ऑफ विन परसेंटेज एंड रिवार्ड टू रिस्क रेशियो। अगर कोई मुझे बोलता है कि दे कैन गिव मी अ एल्गोरिदम जिसका विन परसेंट 70% है एंड रिवार्ड टू रिस्क रेशियो इज 1.3% और 1.4, मैं आंखें बंद करके बाकी मैट्रिसेस बिना देखे उसको रन करूंगा, बिकॉज मुझे पता है 70% ऑफ द टाइम आई एम गोइंग टू विन, एंड और मेरे को पता है कि उसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, बिल्कुल। सिमिलरली अगर विन परसेंट 50% से ऊपर जा रहा है बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज लेस देन 1, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं पे इट्स नॉट दैट ऑसम। ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप 1 देख रहे हो ना, इसको ये मान के चलो कि दिस इज लाइक 1:3, 1:2 कितना जा रहा है वो,
दिस इज समथिंग लाइक दैट. सो ये आपको समझना पड़ेगा. सो 60% 1.1 समवट गुड, 60% 1 ठीक ठीक है, 60% 1.2 ठीक है, आई कैन रन इट, 55% 1.3 आई कैन रन इट, बट लेट्स से इट कम्स डाउन टू 45% एंड 0.95 बिग नो बिकॉज़ इट इज गोइंग टू बी अल्टीमेट लूजर. अल्टीमेट लूजर, करेक्ट. 80% 0.95 आई कैन रन इट बिकॉज स्टिल इट इज यू नो ऑन द हायर साइड, बट लेट्स से 80% विन रेट बट risk reward is let's say 0.60 0.70 I might not want to run it because ultimately to baat wahi pe aa rahi hai na. This is something that has to be shown on calculate karke dikhane wali cheez hai likh ke, but still 50% and 1 ke upar aapka it is break even. Usse higher agar jata hai to it actually starts making sense. Yes, over to you. Bilkul sir, bahut a wonderful insight. और आई थिंक हम कुछ कैलकुलेशन इसके लिए एक डॉक बना के वीडियो में डाल भी देंगे डिस्क्रिप्शन में, सो दैट लोगों को बेनिफिट हो. आई थिंक दैट विल बी अ गुड आइडिया. दी एक और मेट्रिक जो मैं भी देखता हूँ बिसाइड्स रिस्क टू रिवॉर्ड इज दिस रिटर्न टू मैक्स ड्रॉडाउन. यस एग्जैक्टली. सो जिन्होंने मैं इसको कैसे समझता हूँ, एक कैलकुलेशन बताऊंगा फिर इसका मैं वो भी बताता हूँ कि मैं इसको कैसे देखता हूँ, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है कि आपने अपने ओवरऑल प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया बाय द नंबर ऑफ इयर्स. अब ये 6.5 साल अभी चल रहा है लगभग, तो आपने इसको 6.5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो आपके पास एक फिगर आ गई, मान लो लाख रुपए फिगर आ गई, और आपका जो ड्रॉडाउन है, सॉरी मैक्स ड्रॉडाउन है वो है 20,000, ठीक है. तो हमने क्या किया, अपने एनुअल एवरेज प्रॉफिट को मैक्स ड्रॉडाउन से डिवाइड कर दिया और हमारे पास एक फिगर आ जाएगी. लाख को अगर मैं 20,000 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगी फिगर 5. बट अब इसका मतलब क्या है, 5, 2, 4 इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि ऑन एवरेज मेरा साल का प्रॉफिट मेरे मैक्स ड्रॉडाउन को कितनी बार कवर करता है. तो अगर मैं एक एनालॉजी दूं एक अकाउंट्स के एग्जांपल से, अकाउंट्स में एक चीज होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसमें बैंक एक कंपनी का ये देखता है कि इसका एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड एमोर्टाइजेशन इस मेरे ब्याज को कितनी बार कवर कर सकता है, कि ये बंदा कितना ब्याज दे सकता है. अगर तो वो फिगर बहुत हाई है तो बैंक बोलता है कि हाँ भैया इसको तो और लोन दे सकते हैं, ही इज अ गुड पे मास्टर. और अगर वो फिगर बहुत नीचे है कि भैया ये इसका साल का एबिटा या अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मसा मसा मेरे ब्याज को कवर करता है तो मैं इसको और लोन तो नहीं दूंगा. मतलब अगर इसको सिंपल, मेरे को ये चीज मेरे को आज तक नहीं पता थी, ठीक है, मेरे को बस इतना पता था कि अगर ये नंबर हायर है तो इट्स अ गुड थिंग. यस, ठीक है. सो व्हाट इट मीन, सो आपने जो मेरे को अभी बात बताई उसका मतलब ये है कि अगर मैं साल के अंदर 12 महीने देख रहा हूँ, ठीक है, हाँ जी, तो बेसिकली मेरा जो ड्रॉडाउन है, अगर मान लो मैं एक पीक से नीचे को हिट करता हूं, ठीक है, हाँ जी, तो ये वाला एल्गो कम से कम 5 महीने लगाएगा उसको खत्म करने में. नहीं, 4.5 महीने का मेरा एवरेज ब्रेक ड्रॉडाउन आएगा, 4.5 महीने. नहीं, वो एक अलग फिगर है सर. ये रिटर्न ओवर मैक्स ड्रॉडाउन है कि मेरा साल का एवरेज प्रॉफिट इसको कितनी बार कवर कर सकता है, ये 20,000 के नुकसान को. अगर मेरा, सॉरी, वही मैं भी बोल रहा हूं. नहीं, आप पीरियड बोल रहे हो ना, आप ये आई थिंक ये बोल रहे हो ड्यूरेशन ऑफ मैक्स ड्रॉडाउन 57 डेज, मतलब 22, मतलब वही 3 महीने हो गए.
57 डेज हम लगभग 20 दिन का एक ट्रेडिंग मंथ मानते हैं, तो 57 वुड बी 3 मंथ्स एग्जैक्टली. मैं जो कह रहा हूं कि अगर मेरा मान लो 6 लाख का प्रॉफिट आया ओवरऑल, ठीक है, अभी इसको नजरअंदाज कर देते हैं, और 6 साल में, तो हर साल मेरे को पता है 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आता है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये वाला अगर ड्रॉडाउन आता है तो मेरा प्रॉफिट कितनी गुना उस ड्रॉडाउन को कवर कर लेगा. ठीक है, ड्रॉडाउन ने एक बॉटम लगाया 20,000 रुपए का, और उसके बाद उसने ऊपर जाने लग गया. अब वो ऊपर जाते जाते उसको 60 दिन लग गए, 3 महीने लग गए, वो अलग चीज है. बट मैंने तो ये देखना है कि मेरा साल का प्रॉफिट ऑन एवरेज कितने बार इसको कवर कर सकता है. ओके, राइट. सो दैट इज अनदर फिगर कि हाँ, ये आपने ये सही कहा कि हायर द बेटर. और अगर कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई गोल्डन स्ट्रेटजी मिल जाए जिसमें कोई ड्रॉडाउन ही ना हो, तो ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगा. ऐसा हो नहीं सकता ना, ऐसा हो नहीं सकता. एग्जैक्टली. ये तो मैं फ्रॉम अ मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव आपको बता रहा था. एक चीज आपने जिसमें पहले मेंशन की थी, हम ड्रॉडाउन पे काफी चर्चा कर चुके हैं कि ये मोंटी कार्लो ड्रॉडाउन क्या होता है. सो जैसे सर ने अपनी एक्सेल पे दिखाया था कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का एक हिस्टोरिकल डेटा है मेरे पास, जिसके बेसिस पे मैंने ये 20,000 की फिगर निकाली है. मान लो आपको पहले दिन 100 रुपए प्रॉफिट हुआ, फिर 200 रुपए प्रॉफिट हुआ, फिर 300 रुपए का नुकसान, फिर 100 रुपए प्रॉफिट, और फिर 200 रुपए का नुकसान. ये आपका एक सीरीज है जो एक्चुअल में आपको हुई है. सो ये एक हिस्टोरिकल सीरीज हुई है आपकी, जो असली में हुई है. सो जो मैंने आपको बताया कि ये मेरा एक पीएनएल का एक्चुअल में ये पीएनएल आया था, मगर अगर मैं ये बोलता हूं कि इस पीएनएल को मैं रैंडम कर दूं या जंबल कर दूं, कि यार मैं ये बोलता हूं कि मेरे को पहले दिन 100 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ था, ये 300 रुपए वाला नुकसान हुआ था, फिर उसके बाद अगले दिन 200 रुपए वाला नुकसान हुआ था, फिर उसके बाद प्रॉफिट्स आए थे, अगर मैं वैसे जंबल कर लेता हूं अपने पीएनएल को, तो दो चीजें होंगी. एक तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मेरा मैक्स ड्रॉडाउन चेंज हो जाएगा. ठीक है, पहले मेरा मैक्स ड्रॉडाउन कुछ और होएगा और उसके बाद कुछ और होएगा. तो ये मोंटी कार्लो ड्रॉडाउन क्या करता है, आपकी जो पीएनएल की सीरीज है इसको 10,000 बार जंबल करेगा, और हर एक बार आउट ऑफ दोस 10,000 एक मैक्स ड्रॉडाउन की फिगर निकालेगा. और जब वो फिगर आ जाती है तो ये देखेगा कि 95% टाइम, अगर मैं करके ही दिखा दूं आपको, 99 पे रखो 99 पे कर दे. चलो सर 99 पे कर देते हैं. मैं ये बोल रहा हूं कि 99% टाइम आपका मैक्स ड्रॉडाउन इतना था या इससे कम था, राइट. तो हिस्टोरिकली मेरा मैक्स ड्रॉडाउन 20,000 का है, मगर अगर मैं ये हिस्टोरिकल डेटा को ऐसे जंबल करते रहूं, और कितनी बार करूं, 10,000 बार, और ये 10,000 बार करने के बाद हर एक बार एक मैक्स ड्रॉडाउन की फिगर निकालूं, तो मैं ये, और उसके बाद मैं ये बोलता हूं कि 26,000 ये रेट मैक्स ड्रॉडाउन की फिगर है, जिसमें 99% ऑफ द टाइम मेरा मैक्स ड्रॉडाउन इससे कम था. तो अब कुछ लोग क्या, अब हाउ टू यूज दिस, ये तो चलो ठीक है, एक फॉर्मूला आया, आपने एक फिगर दे दी, अब इसका करना क्या है. अब इसका करना दो चीजें हैं. एक तो आप अपने सारा हिसाब किताब इसके इस फिगर के हिसाब से निकाल सकते हो, और इसको डिसरिगार्ड कर सकते हो. मतलब ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि अगर मैं 2 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा, मेरा कितना नुकसान हो सकता है
आपके हिसाब से 99% गलत होके वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो कहां जा सकता है? राइट, अगर सारा का सारा टेक भी ठीक चले, कोई टेक्निकल ग्लिच ना आए, तो हम लोग 99% प्रोबेबिलिटी के साथ कह सकते हैं कि तू 20,000 भी छोड़ दे तो 26,000 पकड़ ले। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज, हाउ टू यूज दिस फिगर फॉर पीपल हु आर ट्रेडर्स एंड हु आर मेकिंग स्ट्रेटजीज, कि हिस्टोरिकल मैक्स ड्रॉडाउन आपका 20,000 था, वो मार्केट कंडीशंस खराब हो गई हैं, एक्स वाई जी मार्केट रिजीम चेंज हो गई है, और ये 20,000 की फिगर आपकी पार हो चुकी है ड्रॉडाउन में, करंट में, ठीक है। तो अब आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप अभी भी एल्गो चलाते रहो, या आप इस स्ट्रेटजी को चेंज कर दो, राइट। अब रूल ऑफ थंब दो हैं, एक रूल ऑफ थंब है कि हिस्टोरिकल मैक्स ड्रॉडाउन का जब डबल हो जाए तब आपने चेंज करनी है या स्टॉप कर देनी है ये वाली स्ट्रेटजी, और दूसरा रूल है कि मोंटी कार्लो ड्रॉडाउन अगर 99% पार हो जाए तब आपने चेंज करनी। अब ये आप एज ए ट्रेडर पे डिपेंड करता है कि आपने ये कॉल कब लेनी है। ओके, ठीक है सर। सो ये हम लोगों का जो क्वेश्चन रहता है ना, ठीक है, आई गॉट द पॉइंट, क्योंकि 2023 के अंदर जब मार्केट चेंज हुई थी तो हमें एज ए ट्रेडर पता चल गया था कि यार स्ट्रक्चर चेंज हो गया, हमारी स्ट्रेटजीज को अब चेंज करने का टाइम आ गया। आप कह रहे हो कि उस कॉल को भी सिस्टमैटिक कर दो, यू डिसाइड कि अगर आपका मोंटे कार्लो का 99th percentile का भी अगर वो ड्रॉडाउन हिट हो जाता तो इसका मतलब अब आपकी स्ट्रेटजी गलत हो चुकी है, उस अब उसको चेंज करने की जरूरत है। ओके, बिल्कुल, दैट इज वन आइडिया। एक और डेटा पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है, आप मार्केट भी रोज देख रहे हो, ठीक है, और आपने ये एक और डेटा पॉइंट भी निकाल दिया जो इसके साथ मिल रहा है, आपकी जो हाइपोथेसिस है उसके साथ मिल भी रहा है, तो आप कह सकते हो कि यार मैं थोड़ा ना टाइम बैक टेस्ट पे लगाऊंगा और अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज कर दूंगा। सो इट इज अनदर डेटा पॉइंट विच यू शुड यूज essentially, ठीक है सर। सो अब एक बार हम वापस अपनी स्लाइड्स पे आते हैं। एक चीज रह गई है इसके अंदर, हाँ जी, स्लिपेजेस। ओ यस यस, खर्चे एंड स्लिपेजेस, खर्चे एंड स्लिपेजेस, उससे अभी इसका बैक टेस्ट और टूटेगा। यस 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 यस। सो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि हमने ये बैक टेस्ट तो कर ली स्ट्रेटजी, मगर इसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो में डालने के लिए हमने इसमें तीन चीजें डालनी पड़ेंगी। एक तो आपको टैक्सेस एंड चार्जेस तो डालने ही पड़ेंगे, राइट, ये तो हमें एक्सचेंज को भी देने पड़ते हैं और गवर्नमेंट को भी देने पड़ते हैं, सो इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। एक आ जाती है अब ब्रोकरेज की बात। अब ब्रोकरेज में बथेरे सारे प्लान्स हैं, राइट, बट एज अ रिटेलर If you go with 20 rupees an order and only trade one lot, you need to see कि भैया 1,70,000 तो आप ब्रोकरेज ही दे रहे हो, तो आपके पड़ते में ये आता है कि नहीं आता, ये आपको देखना पड़ेगा। Maybe क्योंकि आपने per order वाला प्लान लिया है, आप एक लॉट से ना ट्रेड करें, इसको 5 लॉट से ट्रेड करें, तब जाके आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 1,70,000 तो आपने ब्रोकरेज में ही दे दिया है अपने स्ट्रेटजी में से, राइट। और अभी तो मैंने स्लिपेजेस भी नहीं ऐड करी, लगाओ जरा, अभी तो असली मजा आएगा। असली मजा स्लिपेजेस, हम सेलिंग में 0.5% की लगाते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, लिक्विड है, तो ये देखो सारे स्टैटिस्टिक्स, 3,00,000 4,00,000 से सर रोहित जी शुरू हुए थे, काम 70,000 पे आ गए हैं 6 साल में। और ये देखो इसके अंदर जैसे इसका विन परसेंट, इसका जो विन परसेंट है वो 61% पे आया, साथ के साथ रिवार्ड टू रिस्क रेशियो भी कम हो गया वहां पे, बिल्कुल, और रिटर्न और मैक्स डीडीबी वहां पे जो रेशियो थी वो भी कम हो गई, 2.3 से 0.3 रह गई है। सो स्लिपेजेस अब क्या होता है,
कि देखो बैक टेस्ट के हिसाब से आपको एंट्री मिल जानी थी 100 रुपए में, मगर आपको मिली 99.5 पे, 99.7 पे, 101 पे। तो स्लिपेजेस पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। सो ऑन एवरेज हमने आधे परसेंट की स्लिपेज डाली है बोथ एंट्री और एग्जिट दोनों साइड पे, जिसके वजह से आपके रिजल्ट्स में काफी फर्क आ गया है। बट आई वुड स्टिल से द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इज योर ब्रोकरेज, राइट? कि अगर मैं ब्रोकरेज यहां पे, अगर आप कोई और फ्री ब्रोकर यूज करते हैं या फिर आप कोई रैशनलाइज्ड प्लान लेते हो, मान लो चलो यार आप 2 रुपए लॉट वाला प्लान ले लेते हो, देन ऑल्सो 1,70,000 और 17,000 इसको चलो 4 रुपए लॉट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1,70,000 सर और 34,000 में बहुत ज्यादा फर्क है। सो अ ट्रेडर, अ रिटेल ट्रेडर, बिफोर पुटिंग हिज मनी, कि ये चलो बैक टेस्ट भी करके दिखा दी, आपने बोला बहुत अच्छा है, यू नीड टू सी इट इन अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो कि भैया खर्चे जोड़ने के बाद, ब्रोकरेज जोड़ने के बाद मेरे को एज अ ट्रेडर कुछ बचेगा भी कि नहीं। और अगर 20 रुपए वाला पर ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, मगर उसके लिए आपको 4 लॉट 5 लॉट मिनिमम डालने पड़ेंगे टू रैशनलाइज दैट ब्रोकरेज, राइट? इस पार्ट को कोई नहीं समझ। हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि देखो बैक टेस्ट रिपोर्ट देख के आपने बस जाके ये कर लिया कि यार क्या ही खर्चा पड़ेगा, 80 रुपए का, दो एंट्रीज कॉल की लेनी, एंट्री एग्जिट कॉल की लेनी है, एक और दो पुट की लेनी है, दैट्स इट। जब बट मेरे को कोई पूछता है ना कि ब्रोकरेज कैसे लगेगी, डिस्काउंट ब्रोकर नहीं है, इज इट पर लॉट ब्रोकरेज, तो आई हाँ मेक देम अंडरस्टैंड कि बॉस पर लॉट ब्रोकरेज इज नॉट कॉस्टली, आपका यस 20 रुपीज पर ऑर्डर इज कॉस्टली। तो यस अगर या तो आप 5 लॉट्स के साथ सिंपल ट्रेड कर लो, दैट मीन्स योर बिल्कुल कैपिटल इज बिग, देन इट यस मेक्स अ डिफरेंस, एंड दैट टू इट मेक्स डिफरेंस ओनली व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी निफ्टी। अगर आप स्टॉक में भी ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपको 50 रुपए पर लॉट भी पड़ रहा है, वो भी सस्ता है, बिकॉज बिल्कुल स्टॉक्स के अंदर द क्वांटिटी इज 500, 1,000, यस 3,000, 9,000, तो यस वो एक बड़ा छोटा सा फ्रैक्शन आता है कॉस्ट का। बट यस जब लॉट साइज इज 15, आप ब्रोकरेज पे कर रहे हो 20 रुपीज पर ऑर्डर, गेटिंग माई पॉइंट? यस कहाँ बिल्कुल आप सही कर रहे हो, कहाँ आप कर रहे हो 15 बाय 20 रुपीज बाय 1,000, कहाँ पे आप कर रहे हो 15 बाय 1,000, बिल्कुल बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है एक टाइम बहुत पे। ज्यादा इसीलिए जब ब्रोकर अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखते होते थे ना 100 रुपीज पर लॉट लिखा है, वो हाँ इसलिए मैटर नहीं करता, तब लोग स्टॉक ऑप्शंस करते होते थे। निफ्टी बैंक निफ्टी तो अब आई है, तो बिल्कुल वीकली के चेंज बाद ही आई आपको। है, बिल्कुल हाँ यस ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, यू नीड टू रैशनलाइज योर ब्रोकरेज। यस अगर देर इज नथिंग रॉन्ग विथ 20 रुपीज पर ऑर्डर, कोई उसमें नहीं है, मगर आप देखो होलसेल में खरीद के आपने को फिर होलसेल में बेचना भी पड़ेगा ना, आपने प्लान तो ले लिया होलसेल वाला और बेच रहे हो आप 1 लॉट, वो कहानी नहीं बनेगी। यस सो ये आपको अपनी अपने कैपिटल के हिसाब से आपको एक ब्रोकरेज प्लान यूज करना पड़ेगा। एंड देर आर सो मेनी ब्रोकर्स, अराउंड 30 ब्रोकर्स इंटीग्रेटेड विद अस, आप किसी के साथ भी चूज कर सकते हो, हमारी कोई प्रेफरेंस नहीं है किसी भी के साथ, हमारे लिए सब बराबर है। जिसके साथ आपको बेनिफिट है आप उस पे ट्रेड करें, आप देखो कि राइट? आपने मारुति चलानी है कि ऑडी चलानी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल कैपिटल शुड मतलब लोन लेके ऑडी नहीं चलानी, ना ही मारुति चलानी है, अपने पैसों से जो चलानी है वो चलाओ, या ठीक है सर? सो आई थिंक रोहित जी, लेट्स एंड दिस बैक टेस्टिंग 101 सेशन ऑन दिस नोट। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम और चीजें या और स्ट्रैटेजीज भी कवर करेंगे। ये तो एक सिंपल नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी थी, देर आर अदर स्ट्रैटेजीज लाइक डायरेक्शनल
एंड रोलिंग स्ट्रैडल, ऐसे ऐसे करके बड़ी सारी स्ट्रैटेजीज हैं, सो वी कैन गो ओवर देम, बट जाना हमने ऐसे ही है कि मेरा एक आइडिया है और उस आइडिया को मैंने टेस्ट करना है. आप मेरा भी फायदा करवाओ ना उसके अंदर. हाँ सर, आपका मैं अभी इसको रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूँ, अपने यूजर्स के लिए डालने वाला हूँ इस चीज को मैं, ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू कट इट, ठीक है. हमारे अभी व्यूअर्स कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है. सारे के सारे वो हैं जो न्यू है मार्केट के अंदर, ठीक है. सो आई रिक्वेस्ट कि जो अगला सेशन आप मेरे साथ करने वाले हो, राइट, गिव देम सम स्ट्रेटजी व्हिच इज वर्किंग इन टुडेस कंडीशंस. ओह श्योर, डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है. जिसके अंदर कोई डेढ़ दो लाख से with slippages with a discount broker if he runs it on his account, usko at least hum log ek cheez batate hain ki ye strategy, kyunki abhi to be very honest hamare views kam aayenge but hamare users jo hain to agar unko ek strategy milegi uski edge kharab nahi hogi. You can tell them the strategy or let's say ek kisi broker ke sath usko integrate karke run karke dikha dijiye. Bilkul karenge. उसके बाद फिर हम लोग मतलब एटलीस्ट उनको कुछ रिटर्न आएगी तो फिर उनका भी इंटरेस्ट बनेगा. सो लेट्स डू दैट थिंग इन द नेक्स्ट एपिसोड. एक स्ट्रेटजी, उसकी बैक टेस्ट रिजल्ट आफ्टर ब्रोकरेज, आफ्टर मोंटे कार्लो, आफ्टर टैक्सेस, इट शुड बी प्रॉफिटेबल, एंड देन उसको किसी एक ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट करके चला के देखेंगे. बिल्कुल डन है सर, डन, ठीक है. और उसको फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में लेके जाते हैं, ठीक है. ठीक है, थैंक्स चिंतन, थैंक्स फॉर दिस सेशन. आई थिंक दिस सेशन will become the algorithm trading 101, which is going to be the base of all algorithm trading podcast. So aage se aage fir hum log iske andar apne users ko kuch na kuch add karke dete rahenge through algorithm. Bilkul. Okay, ek cheez main bolunga ki whoever signs up, please aapka referral code use kare, kyunki usme unko hi benefit hai. The referral code is KATWAL, sir apna link bhi dal denge of course. इसमें आपको 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलेंगे यूजर्स को. सो ये उनके ही बेनिफिट के लिए है. फर्दर हम टू प्रमोट ट्रेडिंग एंड सिस्टमैटिक ट्रेडिंग फॉर रिटेलर्स, वी गिव 25 फ्री बैक टेस्ट एवरी वीक, विच आर लाइक एनी अदर बैक टेस्ट. देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन देम. दे आर हाँ, मतलब आप पेड लो या वो यूज करो, आपके लिए कोई फर्क नहीं है. तो 25 फ्री बैक टेस्ट एवरी वीक जस्ट टू स्टार्ट ऑफ, थोड़ा सा आपको सेंस मिले कि यार हमने जो आज की है स्ट्रेटजी, मैं इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ कि नहीं. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. आई थिंक अगर मेरे यूजर्स को एक फ्री की स्ट्रेटजी ढंग की चलती हुई मिल गई जिसको मैं भी अप्रूव कर सकूँ आपके साथ बैठ के, उनकी कॉस्ट अपने आप ही निकल जाएगी. बिल्कुल सर, नेक्स्ट एपिसोड का मैंने कर लिया है, मेरे माइंड में आ भी गई है स्ट्रेटजी, एंड वी विल गेट इट डन. आप टेस्ट करके रखो, शेयर करने को तैयार रहो, हम लोग उसको रिकॉर्ड करने को तैयार बैठे, ठीक है. थैंक्स अ लॉट, बाय. ऑलराइट, थैंक यू, बाय.